एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और मजे कर रहे होंगे। तो मैं देव कुमार पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इंट्रो देखने के बाद एक्सरसाइज ऑफ 6.3 देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इंट्रो जरूर देखें और कोशिश करें कि सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 खुद से करें, है ना। अब जरूरत हो तभी इस वीडियो को देखें आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 129 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक, ग्राफ कॉपी और पेन पेन से लेके, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन को रीड करूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है, कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो आपने सॉल्व करना है बस इनइक्वालिटीज को, कैसे? ग्राफिकली, है ना। चलिए तो देखते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आपने 6.2 में भी पढ़ा है ना, और उसके इंट्रो में भी हमने कराई था, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। चलिए, तो हमें प्रोसेस पता ही है, हमें एल्गोरिथम पता है कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ले लेते हैं हम, दैट इज एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 2। तो दोनों इक्वेशन में इक्वालिटी ले ली। अब दोनों में इनइक्वालिटी लेते हैं और शेडिंग चेक करते हैं ना। तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी, ओके, इनइक्वालिटी ले ली। अब इसमें हम शेडिंग चेक करेंगे। तो इनइक्वालिटी जब हम लेंगे तो x इज ग्रेटर देन 3 है भाई, इक्वल टू में, लेकिन इक्वालिटी नहीं लेनी हमने, इनइक्वल रखना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का खाली ग्रेटर देन, है ना। ओके, और एक काम करते हैं, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, यहां पे हम चेक करने हैं किस पे बेटा, ओरिजिन पे, यानी कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करके हम चेक कर रहे हैं ना। ओके, तो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली थी आपकी x इज ग्रेटर देन 3। इसमें हमने जब पुट किया तो 0, भाई y तो है ही नहीं, x ही पुट होगा, तो 0 ग्रेटर देन 3 विच इज फॉल्स। भाई चेक कर लो, 0 कब से बड़ा होने लगा 3 से, तो विच इज फॉल्स। पर अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब जो इसकी शेडिंग होगी वो अवे द चेकिंग पॉइंट, दैट इज ओरिजिन, है ना। तो देयरफॉर शेडेड अवे द ओरिजिन। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जो काम हमने पहली इक्वेशन पे किया है, सॉरी इन इक्वेशन पे, वही काम हम दूसरी इन इक्वेशन पे करेंगे। सो y इज ग्रेटर देन 2, है ना। चलिए इसमें पुट करते हैं, तो x की जगह तो कुछ नहीं आएगा, y की जगह 0 आएगा, ग्रेटर देन 2 विच इज फॉल्स। भाई 0 थोड़ा ना 2 से बड़ा होता है, चेक कर लो, तो विच इज फॉल्स। तो अगर ये भी फॉल्स है तो इसकी भी शेडिंग बेटा कहां पे होगी, शेडेड अवे द ओरिजन। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब रही बात सॉल्यूशन सेट की, तो पहले हम उसके लिए ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन सेट आपको बता पाएंगे, है ना। तो चलिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं जल्दी से। ओके, तो देखिए हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है बेटा, 3 तक ही जाना है। तो दो एक एक का गैप लेके 3 तक चलते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ओके, अब देखते हैं पॉइंट, देखते हैं ना भाई, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश, इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखेंगे पॉइंट, देखेंगे बेटा पॉइंट क्या है। तो पॉइंट है आपका एक्स इक्वल टू 3 है, चेक कर लो, एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू 3 कहां पे है भाई, एक्स इक्वल टू 3 एक्स एक्सिस पे होगा, 1 2 3 यहां पे होगा ना, यानी कि आपका ये वाला पॉइंट मार्क हो गया। तो अब एक्स इक्वल टू 3 की लाइन यहां से आप ड्रॉ कर दोगे। चलिए, और लाइन कैसे जाती है बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस जाती है। तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई यहां से। ओके, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ओके, एक लाइन तो ये हो गई है ना। अब दूसरी क्या है, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो y इक्वल टू 2 ये रहा पॉइंट। भाई ये क्या था, x इक्वल टू 3 था, और ये क्या है y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 कैसे जाती है, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन हो गई है ना, तो ये क्या है बेटा y इक्वल टू 2, चेक कर लो। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इनकी शेडिंग की बात करते हैं, शेडिंग की बात करते हैं ना। तो देखो शेडिंग क्या थी इनकी, अगर मैं पहली वाली लाइन की बात कर रहा हूं, फॉल्स थी,
तो पहली वाली लाइन ये वाली थी, फॉल्स थी यानी कि अवे द ओरिजिन, तो इसकी शेडिंग इस तरफ होनी थी, तो मैं इधर को मार्क कर देता हूं, है ना, इस तरफ होनी है। और दूसरी वाली भी देखिए वो भी फॉल्स थी, तो इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ ही बाहर को होनी है, तो बाहर को होनी है, तो ये इसकी शेडिंग। तो बेटा कॉमन रीजन तो यही आने वाला, चेक कर लो हम कॉमन रीजन को शेडिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं, ठीक है। तो कॉमन रीजन क्या है आपका, ये वाला है। और उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो आपका जो आंसर है वो यही है, शेडेड रीजन, है ना, ठीक है। तो हेंस या फिर क्लियरली वी कैन से सॉल्यूशन सेट इज शेडेड रीजन, है ना। तो आई एम श्योर कि यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको, है ना। ओके, तो क्वेश्चन में करना क्या है, सभी क्वेश्चन में एक ही काम करना है, कोई अलग नहीं है। ओके, तो अब मैं ना क्वेश्चन में देखो, आप भी समझते हैं इस बात को कि 15 क्वेश्चन है, अगर मैंने हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको समझाया तो आप मान के चलिए कि कम से कम 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा और बहुत हैवी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगा, मैंने एक क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन आपको दे दी है, बाकी बीच में एक आध क्वेश्चनों में और दूंगा, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन मैं प्रॉपरली नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, आपको हिंट दूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी भी नहीं, और बाकी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये 3 इक्वेशन है, डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, इक्वेलिटी ली मैंने, कुछ लिख नहीं रहा हूं बाय टेकिंग इक्वेलिटी वगैरह ये सब, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं। 2 सॉल्यूशन निकाले, x और ये y, तो x को 0 रखा तो y आपको दिख रहा है 6 आ गया, y को 0 रखा तो x आपको दिख रहा है 4 आ गया। अब अगली इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी, इन इक्वेशन सॉरी, x इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट इज y इज 2। ओके, अब इन इक्वेलिटी ली, है ना, तो इन इक्वेलिटी, तो बाय टेकिंग इन इक्वेलिटी, अंडरस्टूड है, समझ जाना है। ओके, तो 3x प्लस 2y और लेस देन 12 इक्वल टू नहीं लगेगा, पता है आपको, और 0 0 पुट करते हैं ओरिजिन पे, तो वो लिख नहीं रहा हूं मैं, तो 0 × 3 करो 0 आएगा, 0 × 2 करो 0 आएगा, 0 + 0 0 ही होता है, तो लेफ्ट साइड में 0 ही आने वाला है, लेस देन 12 विच इज ट्रू, तो ट्रू है, तो अंडरस्टूड है कि चेकिंग पॉइंट यानी कि ओरिजिन की तरफ शेडिंग होनी है ना। तो सब कुछ कुछ भी लिख नहीं रहा हूं, बस मैं थोड़ा सा फास्ट काम करना है। अब एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना, चेक कर लो। अब इसमें भी ओरिजिन पुट किया तो 0, भाई एक्स की वैल्यू पुट होगी, विच इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्यों फॉल्स, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता एक से, है ना। ओके, अब अगली इक्वेशन देखते हैं, विच इज वाई ग्रेटर देन 2, तो 0 पुट किया, ग्रेटर देन 2 विच इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है, चेक कर लो। ओके, तो इन दोनों की शेडिंग कहां पे, अवे, अवे द ओरिजिन, है ना, अंडरस्टूड है। ओके, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं हम, तो ग्राफ भी शॉर्ट में बनाऊंगा फटाफट से। अब देखो ग्राफ क्या है बेटा, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई 6 है, ना, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई 6 है, तो वाई 6 मान लो 1 2 3 4 5 6 यानी कि पॉइंट यहां पे रहा होगा। ओके, उसके बाद x की वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4 यानी पॉइंट यहां पे रहा होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं, ना, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराया तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई, इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखते हैं, अंडरस्टूड है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं फटाफट से कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। ओके, इसके बाद अगली क्या है, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 से पैरेलल जाएगी y के, तो x की वैल्यू 1 से y के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं यहां से ही। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये क्या है बेटा, x इक्वल टू 1 है, अंडरस्टूड है ना, मैं इक्वेशन ही लिख रहा हूं। और अगली क्या है, y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 से पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, है ना, ये क्या है बेटा, y इक्वल टू 2 है। अब शेडिंग देखते हैं, शेडिंग देखते हैं भाई, शेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, पहली वाली लाइन ट्रू थी, है ना, तो इसकी ओरिजिन की तरफ, और पहली लाइन ये वाली है तो ओरिजिन की तरफ मतलब यहां की तरफ शेडिंग है। ये वाली लाइन फॉल्स है दूसरी, तो फॉल्स है तो बाहर की तरफ यानी कि यहां की तरफ, ये भी फॉल्स है तीसरी, तो नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ, तो कॉमन एरिया आपको नजर आ गया, देखो ये वाला कॉमन है ना।
तो आपका आंसर जो है वो, अगर मान लो कि इस पॉइंट को मैं ए बी सी मार्क कर देता हूं, तो आपका आंसर क्या है, सॉल्यूशन सेट क्या है बेटा, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, है ना, ठीक है, ओके। तो आई एम श्योर कि आपको यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आप फटाफट से वीडियो पॉज करें, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम पेज है, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थ्री एक्चुअली आपके सामने 2x + y > 6 और 3x + 4y > 12 विच इज वेरी इजी, है ना, जो कि बहुत इजी है, तो कुछ भी नहीं करना यार, सिंपली आपने कर दोगे मुझे भरोसा है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगाना, डीवाईएस का, और खुद से कर लेना, है ना। और हिंट के पर्पस से अगर आप कहो तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल उसके जैसे ही है ना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फोर है ना, x + y > 4 और 2x - y > 0। अब एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। क्वेश्चन नंबर चार नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके। तो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखने में उससे ज्यादा इजी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसमें कॉन्सेप्ट बताना है ना, तो इसको देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इसको प्रॉपर ही कराऊंगा आपको, जिससे कि आपको प्रेजेंटेशन का भी बीच बीच में बता सकूं एक आध क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, बाय टेकिंग क्या लेते हैं, बताते भी नहीं है यार, इक्वालिटी लेते हैं, है ना, बाय टेकिंग इक्वालिटी, ओके। तो इक्वालिटी पहली इक्वेशन में देखते हैं, x + y = 4। इक्वालिटी का मतलब तो इक्वली है ना। अब दो, एटलीस्ट दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम, है ना, टेबल बना के, एक्स और ये वाई। अब एक्स की वैल्यू 0 लेने पर वाई 4 दिख रहा है, और वाई की वैल्यू 0 लेने पर एक्स 4 दिख रहा है, सिंपली, ओके। दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 0, चेक कर लो, ओके। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 लेने पर, चलो वाई की वैल्यू 0 लेने पर, वाई की वैल्यू 0 लेने पर एक्स की वैल्यू भी 0 आ रही है, चेक कर लो भाई, वाई 0 रखा तो 2x = 0, और 2 को उधर भेजोगे तो 0 ही आएगा, है ना, ओके। अब कुछ और लेते हैं, तो कुछ और एक्स की वैल्यू लेते हैं 2, भाई x की वैल्यू 2 लेने पर, और आप देखोगे y की वैल्यू 4 आ रही है, भाई देखो ना 2 to the 4, और उधर गया -4, -4 कैंसिल, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ओके, अंडरस्टूड है, इतनी बात तो समझते हैं हम, है ना। चलिए ठीक है, तो ये इक्वालिटी का काम हो गया, अब इनइक्वालिटी है ना, तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी, ओके, तो इनइक्वालिटी लेने जा रहे हैं अब हम, और इनइक्वालिटी में इनइक्वल लगते हैं, तो देखो पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, अच्छा इसमें ये भी बात लिख देते हैं हम, चेक कहां पे कर रहे हैं, तो चलो पहली इक्वेशन ले लो, क्योंकि दोनों में अलग अलग पॉइंट पे चेक करना है, x + y > 4 चेक कर लो, इसमें मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, है ना, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो 0 + 0 यानी कि 0 ही आएगा, विच इज ग्रेटर देन 4, तो विच इज फॉल्स ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जीरो आजकल तो छोटा ही है, 4 से हम आजकल छोटा ही है ना, बोलते भी नहीं है यार। चलिए अब दूसरी देखते हैं, दूसरी, तो सेकंड वन इज एक्स, 2x - y वाली ना, तो 2x - y और ग्रेटर देन 0, ओके, तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं। अब देखो यहां पे समस्या यह है कि एक, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, देखो यहां पे, देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे, तो ये आपको ऐसे नहीं दिख रही, 2x - y को उधर भेज दिया तो प्लस वाई, तो y = mx वाली फॉर्म नहीं दिख रही, और मैंने आपको बताया था जब भी इक्वेशन आपकी y = mx की फॉर्म में होती है, तो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, और ओरिजिन से पास होगी तो आप ओरिजिन पे तो चेक कर ही नहीं सकते ना शेडिंग, तो आपने शेडिंग को ओरिजिन के, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है उनको छोड़ के इसके इस तरफ वाले पॉइंट पे चेक करना होता है ना, और देखो ये साफ साफ दिख भी रहा है ओरिजिन पे, तो पॉइंट आया एक पॉइंट, तो ओरिजिन पे चेक नहीं करेंगे, यही कॉन्सेप्ट था जो मेरे को आपको बताना था इसमें ना, तो इसमें मैं कोई और पॉइंट पे इसकी शेडिंग चेक करूंगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन है, ये वाला हो गया 4, एक 8वां है, और एक आई थिंक 13 है, और अगर बीच में कोई आएगा तो देख लेंगे, कोई पत्थर की लकीर नहीं है भाई, जो गलत नहीं हो सकता, तो 3 मेरे को मतलब दिखे हैं, तो मेरे को लगता है कि 3 ही है शायद, ओके। तो इसमें मैं पुट करूंगा कुछ और पॉइंट, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस पे ना आ रहा हो, देखो मेरे हिसाब से इस पे कोई भी सेम पॉइंट नहीं आ रहा होगा 0-0 को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि जो वाई है वो एक्स का डबल आएगा हमेशा, तो कोई भी सेम पॉइंट ले लो। अब सेम पॉइंट कौन सा ले, 4-4 ले लेते हैं, 4-4 पे चेक कर लेते हैं, 4-4 नहीं लेना, 8-8 ले लो, 6-6 ले लो, तो 6-6 ले लेते हैं, पुट करा मैंने एक्स को 6 और वाई को भी 6, समझ गया ना मैं 6-6 क्यों ले रहा हूं, कोई भी ले सकता हूं मैं, बस मेरे को ये ध्यान रखना कि लाइन के ऊपर ना हो वो पॉइंट, और ये 6-6 जो है इस वाली लाइन के ऊपर नहीं आएगा पॉइंट, ठीक है। चलिए तो अब मैंने चेक करा, यहां पे लिख दो बेटा,
जब मैंने 6 पुट किया तो 2 इंटू 6 और माइनस वाई, और माइनस वाई यानी कि 6 और विच इज ग्रेटर देन 0। ओके 6 दूनी 12 माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 12 में 6 का 6 बचा ग्रेटर देन 0। ओके तो ये ट्रू है, चेक कर लो, है ना, तो विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इसकी शेडिंग टुवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट, अब चेकिंग पॉइंट के 6 6 तो इसकी तरफ को शेडिंग होगी। इस बार 0 0 पे शेडिंग नहीं देखेंगे, 6 6 पे शेडिंग है ना, तो शेडेड देयर फोर, इसकी शेडिंग लिखी थी, इसकी शेडिंग नहीं लिखी, सॉरी मैं आप लिख देता हूँ, देयर फोर पहले इसकी लिख देता हूँ, शेडेड अवे द ओरिजिन, है ना, यहाँ पे तो अवे आएगा क्योंकि इसके बाहर शेडिंग हुई, अवे द ओरिजिन, है ना, क्योंकि फॉल्स आया था, लेकिन ये टू आया तो टूवर्ड्स होगी इसकी, तो देयर फोर शेडिंग शेडेड टूवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट, है ना, टूवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट। अब चेकिंग पॉइंट क्या है बेटा, दैट इज 6,6। ओके तो इस पे चेक करते हैं, है ना, तो शेडेड कहां पे होगा बेटा, इसका शेडेड टुवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट दैट इज 6,6, यानी कि इसकी तरफ शेडेड होगा, क्यों, क्योंकि 2,2 आया था हमारा, है ना। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं, उसमें अच्छे समझ में आएगा, तो एक रफली ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। ये आपकी वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश। ओके अब देखिए हमें कहां तक जाना है, मैक्सिमम 4 तक जाना है, तो 4 तक जाना है, तो लेट्स से 1 ये 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा 5, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। ओके अब देखिए पहला पॉइंट क्या था बेटा, 0 पे 4, x की वैल्यू 0 पे y 4 था, तो 1 2 3 4 यहां पे आएगा पॉइंट, ये मार्क हो गया। दूसरा क्या था, x की वैल्यू 4 पे y 0, 1 2 3 4 तो दूसरा पॉइंट ये मार्क हो गया, है ना। चलिए इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, अच्छा ज्वाइन भी सारे लाइन से होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन था, देखो चेक कर लो, है ना। ओके तो इसको हमने सॉलिड लाइन से ज्वाइन करा दिया। अब अगले इक्वेशन देखते हैं, अगले इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो है 0 0, यानी कि एक तो ओरिजिन ही हो गया बेटा ये वाला पॉइंट, और एक है 2 पे 4, तो एक्स की वैल्यू 2 पे y 4, 1 2 और 4 1 2 3 4, यानी कि ये आपका यहां पे आएगा ऑन अकाउंट में, है ना। ओके अब इन दोनों को ज्वाइन कराते हैं बेटा, चेक कर लो, है ना, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं है। ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन सेकंड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और सेकंड लाइन क्या थी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, चेक कर लो। ओके यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखेंगे शेडिंग, देखेंगे इनकी ना, तो फर्स्ट लाइन की शेडिंग के लिए क्या आया था बेटा, फॉल्स आया था, और हमने चेक कहां पे किया था, ओरिजिन पे चेक किया था, तो फर्स्ट लाइन का फॉल्स आया था और हमने ओरिजिन पे चेक किया था, यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, इसका फॉल्स आया था यानी कि अवे द ओरिजिन, यानी कि जो इसकी शेडिंग होगी वो इस तरफ होगी। चलिए मैं इस पे एक एरो डाल दूं जिससे कि पता चल जाए, ठीक है। ओके अब दूसरे का देखते हैं बेटा, दूसरे की अगर मैं बात करूं सेकंड लाइन की, तो उसका क्या आया था, ट्रू आया था, लेकिन ट्रू किस पॉइंट पे आया था, 6,6 पे। अब 6,6 पॉइंट कहां पे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 6, यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग यहां पे 6,6 को ही पॉइंट होगा, है ना, चेक कर लो, यहीं पे होगा बेटा। ओके अब ये लाइन है, अब देखना ध्यान से देखना, ये लाइन है, ट्रू आया तो यानी कि इधर की तरफ होगी शेडिंग इसकी, भाई इसकी तरफ होगी ना, टूवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट, बात समझ में आ रही है। हाँ जी देखो ना, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो टुवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट होगी ना शेडिंग, तो देखो इसकी शेडिंग होगी यहाँ पे नीचे की तरफ, ओके और इसकी शेडिंग होगी यहाँ पे, तो कुल मिला के अगर मैं कॉमन एरिया की बात करूं इसमें, तो कॉमन एरिया चेक कर लो, यही वाला आएगा बेटा, है ना, आई एम श्योर कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो मैं इसको शेडिंग कर देता हूं और देखते हैं फिर आगे। ओके तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये वाला एरिया, है ना, क्लियर है, आई एम श्योर कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं ना। बच्चों देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है इसमें, एक्चुअली यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे क्या है बेटा, ग्रेटर देन है, ओनली ग्रेटर देन है, तो जब भी ग्रेटर देन या फिर लेस देन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो लाइन आनी थी इस वाली की, यानी कि सेकंड वाली, ये डॉटेड आनी थी, तो आप इसको डॉटेड कर दीजिए बस, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी इसका मैंने पीछे आंसर चेक किया है तो उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है एक्चुअली, तो उसमें ये मैंने मिस्टेक ऑब्जर्व करी कि जो उन्होंने आपको आंसर दिया यानी कि शेडेड रीजन,
वो ये वाला दे रखा है, तो मेरे ख्याल से वो मे बी मिसप्रिंट होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 129 एनसीईआरटी है ना। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है 2x minus y greater than 1 और x minus 2y less than minus 1 है ना। ओके, दोनों में ही इक्वेलिटी नहीं है, एक में ग्रेटर देन एक में लेस देन है, तो इट मींस जो लाइन यहां पे ड्रॉ होगी वो कैसी लाइन होगी बेटा, डॉटेड लाइन होगी है। तो इस बात को ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा आपने देखा था कि थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है ना। चलिए अब देखो, हिंट दे रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है ऑलरेडी, तो मैंने इक्वेलिटी ली भाई, इक्वेलिटी लेके हमने एक टेबल बना ली। तो इक्वेलिटी में 2x माइनस y इक्वल टू 1 और यहां से एक हमने टेबल ड्रॉ कर ली, तो x और y। अब देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं भाई, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट कर लो भाई पहले। तो जब आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आप साफ देख सकते हैं माइनस 1 आएगी, है ना। ओके, अब y की वैल्यू को कितना पुट करें, एक काम करें y की वैल्यू को आप प्लस 1 पुट कर ले। देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, जब मैं y की वैल्यू को प्लस 1 पुट कर रहा हूं तो प्लस का 1 यहां पे क्या है माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो यहां पे पुट करके दिखाता हूं, 2x माइनस ये प्लस 1 मैंने पुट कर दिया है ना, इक्वल टू में क्या है 1 है, तो 2x अब ये माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा प्लस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। चेक कर लो, तो x की वैल्यू भी 1 आ रही है ना। क्लियर है बेटा यहां तक, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सेकंड इक्वेशन देखते हैं, ये फर्स्ट थी, सेकंड इज x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1 है ना। चलिए यहां पे टेबल बनाते हैं, एटलीस्ट दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो x एंड y, सबसे पहले काम करते हैं y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं भाई। जब मैंने y की वैल्यू को 0 लिया तो x माइनस 1 आ गया, चेक कर लो है ना। ओके, अब मैंने x की वैल्यू को प्लस 1 ले लिया है ना, देखेंगे यहां पे देखेंगे भाई, जब x की वैल्यू 1 ली मैंने तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस का 2y, या फिर एक काम करते हैं ये 1 है सीधा, इस 1 को इधर ले आते हैं, प्लस का 1 हो गया और ये 2y उधर गया, प्लस का 2y हो गया, तो ये कितना हो गया 1 और 1 2, 2 से ये 2 कर गया, तो y की वैल्यू 1 आ रही है, चेक कर लो है ना। x की वैल्यू 1 लेने पर y भी 1 आ रहा है, आपने देख लिया है ना, थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट किया है बस, और कोई बात नहीं। अब इनइक्वालिटी लेते हैं। अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन में बीच बीच में बता रहा हूं, तो उसी तरीके से आपने किसी भी क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। यहां पे मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, तो फटाफट से शॉर्ट में करा रहा हूं है ना, विदाउट प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, दैट इज 2x माइनस वाई और ग्रेटर देन 1 है ना। इसमें क्या पुट करूंगा बेटा, ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे चेक करते हैं। तो देखो ओरिजिन जब मैंने पुट किया भाई, 0.0 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो जब 0 पुट किया तो 2 × 0 0 हो गया, और यहां पे 0 पुट किया तो 0, तो 0 माइनस 0 भी 0 ही आएगा, तो 0 ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स है ना। तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया, तो फॉल्स आ गया, तो इसका मतलब शेडिंग जो है वो अवे द चेकिंग पॉइंट, दैट इज ओरिजिन, अवे द ओरिजिन होगी है ना। चलिए दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, और सेकंड इज x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। ओके, तो सेम चीज पुट करनी है, 0 0 ओरिजिन, तो 0 माइनस 2 × 0, तो 2 × 0 दैट इज 0, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, और लेस देन माइनस 1 विच इज ट्रू और फॉल्स। भाई देखो 0 जो है माइनस 1 से छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है यार, माइनस 1 से तो बड़ा होता है, तो ये भी फॉल्स है, चेक कर लो भाई, माइनस 1 छोटा होता है ना 0 से। नहीं फिर मैं नंबर लाइन पे देखो, यहां पे 0 है, यहां पे माइनस 1 है, तो बेटा इस तरफ वाली वैल्यू बड़ी होती है, इस तरफ वाली छोटी होती है, तो 0 बड़ा होता है, माइनस 1 छोटा होता है ना। ओके, तो इसकी भी शेडिंग अवे द ओरिजिन होगी है ना। ओके, अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं फटाफट से शॉर्ट में। तो ग्राफ में क्या है, सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक छोटा सा। ओके, देखिए 0 पे माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 1 यहां पे होगी है ना, तो 0 पे माइनस 1 यही पॉइंट आएगा, और 1 पे 1, अब लगा लो 1 यहां पे है और प्लस 1 यहां पे है, तो पॉइंट इन दोनों के सामने यानी कि यहां पे आएगा, समझे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन जाएगी हमारी एक, और लाइन कैसी होनी चाहिए बेटा, डॉटेड है ना, ये बात मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ओके, तो ये एक लाइन बन गई है, अब इस पे चाहो तो आप अपनी इक्वेशन लिख देना। अब मैं सेकंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, इसकी शेडिंग क्या थी बेटा, फॉल्स था, तो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ यानी कि यहां की तरफ शेडिंग होगी है ना। ओके, अब दूसरी वाली देखते हैं, माइनस 1 पे 0, एक्स की वैल्यू माइनस 1 है और वाई 0 है, तो माइनस 1 0 ये वाला पॉइंट आएगा, और 1 पे 1 यही है पॉइंट, तो ये तो कॉमन पॉइंट ही है ना, 1 1 तो दोनों में कॉमन ही था। ओके,
तो एक आपकी लाइन ये आ गई, इस पे भी आप इसको इसकी इक्वेशन लिख लो, दोनों ही लाइनें डॉटेड आई हैं, है ना, बिकॉज ऑफ रीजन आपके सामने है, क्योंकि किसी में भी इक्वेलिटी नहीं थी। ओके, अब देखेंगे इसकी शेडिंग कहाँ थी बेटा, इसकी शेडिंग भी अवे थी, यानी कि बाहर की तरफ। भाई बाहर की तरफ कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ होगी भाई, क्योंकि टूवर्ड्स तो ये हो जाएगा ना ओरिजिन से देखा जाए तो। ओके, तो कॉमन अगर मैं बात करूं तो देखो इस वाली लाइन की शेडिंग ये है, इस वाली लाइन की शेडिंग ये है, तो कॉमन तो यही वाला आ रहा है एरिया, चेक कर लो, कॉमन तो यही वाला एरिया आ रहा है बेटा, है ना। तो कॉमन रीजन जो आपका आ रहा है वो क्या है, ये वाला रीजन, और आई एम श्योर कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं इन पॉइंट्स का नाम दे दूं, लेट सपोज के ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए बी सी में रीजन है वो वाला हमारा आंसर है ना। ओके, तो आई एम श्योर कि यहां पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, है ना, साइड में देख लेते हैं, अगर इजी होगा तो फिर मैं आपको वैसे ही करने को दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना। ओके, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और भी कुछ है नहीं, बस इतना ही है। तो बेटा इसके लिए तो मैं आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा, डू योर सेल्फ, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, है ना। तो बहुत इजी है, सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगर उसमें भी कुछ नहीं होगा तो वो भी आप खुद से ही करेंगे, ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और क्वेश्चन नंबर 7 है 2x plus y greater than equal to 8, तो 2x plus y greater than equal to 8, ओके, और x plus 2y greater than equal to 10, x plus 2y greater than equal to 10, let me check once again, question number 7, 2x plus y greater than equal to 8 और x plus 2y greater than equal to 10, बस इतना ही है। तो बेटा ये भी आपने खुद से ही करना है, do yourself, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप definitely इनको भी कर लोगे, है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले, है ना, अगर 8 भी आपके लायक होगा तो आप ही करेंगे, नहीं 8 आपके लायक नहीं है तो 8 मैं कराऊंगा, बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं 8 क्वेश्चन करूंगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि सेम पेज 129 एनसीईआरटी है। ओके, तो देखिए इसको कराने का जो रीजन है वो अभी आपको मैं बता दूंगा, बट आपको मैं ये प्रॉपरली कराने वाला हूं थोड़ा सा ना, है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले क्या करना होता है कि बाय टेकिंग इक्वेलिटी, तो सबसे पहले इक्वेलिटी लेते हैं, है ना। ओके, देखिए मैंने बीच बीच में आपको प्रॉपर वे में भी क्वेश्चन कराए हैं, है ना, तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपने बहुत ध्यान से देखना है। ओके, तो पहली इक्वेशन जो है वो है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 9, है ना। चलिए इसकी हम एटलीस्ट दो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज x एंड y। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y 9 आ गया, और y की वैल्यू 0 लेने पर x 9 आ गया, विच इज वेरी इजी, है ना, जो कि बहुत ही इजी था और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब अगली क्या है, y इक्वल टू x, बेटा इक्वेलिटी लूंगा इसमें, तो ये भी बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जितना x रखोगे उतना ही y आपको मिल जाएगा। ओके, तो x एंड y, तो x की वैल्यू लेट सपोज कितनी रखी, चलो 9 रख दी, खैर 9 मत रखो यार, 9 बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, थोड़ी छोटी रख लेते हैं ना। ओके, तो 9 छोड़ो, 5 रख लेते हैं, तो 5 पे 5 मिल गया, और एक 0 रख लेते हैं तो 0 पे 0 मिल गया, है ना, चेक कर लो। ओके, अगला क्या है बेटा, नेक्स्ट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो ये तो यही अपने आप में सॉल्यूशन है। अब इसके बाद हम लेते हैं इनइक्वालिटी, तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी, तो चलिए इनइक्वालिटी लेके देखते हैं, और बेसिकली क्यों लेते हैं, क्योंकि हम चेक करते हैं शेडिंग का। तो इसमें मैं क्या करता हूं, हमेशा पुट करता हूं x की वैल्यू 0, खैर छोड़ो, इसमें मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगा। तो पहले लेते हैं बेटा फर्स्ट, दैट इज x प्लस वाई लेस देन 9, भाई इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, चलिए इसमें मैंने पुट किया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा, तो 0 लेस देन 9 आ गया कुल मिलाकर, तो विच इज ट्रू, तो भाई ये तो ट्रू है।
और ट्रू होने का मतलब क्या है कि जो हमारी शेडिंग होगी वो 0 0 यानी कि ओरिजिन की तरफ होगी, है ना। तो देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अगली लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज वाई ग्रेटर देन एक्स। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि y इक्वल टू अगर प्लस माइनस एम एक्स की फॉर्म आती है तो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, इस टाइप की इक्वेशन। तो देखो ये वैसी तो है, y इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो है ना। ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास है, और वैसे भी यहाँ पे भी दिख रहा है कि ओरिजिन से पास हुई है। तो जब कोई भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास होती है तो मेरे को चेकिंग पॉइंट फिर ओरिजिन नहीं ले सकता, यानी कि हर बार मैं क्या करता हूँ कि ओरिजिन पे चेक करता हूँ, लेकिन इस केस में मैं ओरिजिन पे चेक नहीं करूंगा, ठीक है। तो कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी आई थिंक किया था, है ना। तो कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट जो इसके इर्द गिर्द हो, इसके ऊपर ना हो। तो देखो इसके ऊपर मेरे को एक बात तो समझ में आती है कि इसके ऊपर सेम पॉइंट आएंगे भाई, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 एंड 4 पे 4, है ना। तो अगर मैं कुछ अलग से पॉइंट ले लूं तो वो इस पे नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, क्या लें 2 0 ले लो भाई, x के लिए 2 पे y 0 ले लो, अलग पॉइंट है ना ये, चलो इस पे चेक कर लेते हैं। और वरना आप नहीं, चलो 2 0 ले लो। तो मैंने यहां पे पुट किया x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, तो 0 ग्रेटर देन 2 व्हिच इज फॉल्स। यहां पे क्या आ गया बेटा, फॉल्स आ गया। अब ये फॉल्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि 2 0 के अवे इसकी शेडिंग होगी, 2 0 के, कहने का मतलब यह है कि ओरिजिन के नहीं, 2 0 के अवे। ओके, देखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं बेटा, ओके, देयरफॉर शेडेड अवे, है ना, अवे द चेकिंग पॉइंट। और चेकिंग पॉइंट क्या बेटा, दैट इज, लिख के दिखाएंगे बेटा 2 0, है ना, क्योंकि ओरिजिन लिखना तो मतलब काम हो जाता था कि 0 0 ही होगा, है ना। ओके, लेकिन ये लिख के दिखाएंगे। हाँ, इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे तो सारा चुप नहीं, ये रह गया ना बेटा, ये रह गया, तो इसमें भी देखेंगे तीसरी इक्वेशन जो है आपकी, ये सेकंड थी बेटा। तो थर्ड वन इज एक्स ग्रेटर देन 0, तो चलिए इसमें तो हम पुट कर सकते हैं 0 0, उसमें भी पता चल जाता है, है ना। वैसे तो खैर इस पे पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 0 भी क्यों पुट करें, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, है ना। तो x की वैल्यू की जो शेडिंग होनी है वो किसमें होनी है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो आप इतना लिख दो खाली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जो इसकी शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली होगी। ओके, ठीक है, क्यों, आप खुद देखो ना, x बड़ा कहां पे होता है, जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, तो x बड़ा यहां पे होता है ना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस तरफ। ओके, चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ग्राफ देखते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें ना। ग्राफ देखते हैं इसका, बहुत ध्यान से ग्राफ देखेंगे, पॉइंट सी वाले है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स है सारे, और हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, ये आपका एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना भाई, यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए ये वाले पॉइंट्स हैं, तो मैक्सिमम 9 तक जाना है, तो हम चाहे तो 2 2 का गैप ले सकते हैं, है ना। तो 2 2 का गैप ले लेंगे भाई, 2 4 8 10 2 4 6 2 4 6 8 10, और ये एक एक्स्ट्रा ले लिया तो 12। चलिए यहां पे भी 2 4 6 8 10 और ये 12, दैट्स इट। ओके, चलिए यहां तक भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे देखते हैं, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, और इसके बाद समझेंगे इसको। पहला पॉइंट क्या है बेटा, 0 पे 9, है ना, 0 पे 9, 0 पे 9 यानी कि x की वैल्यू 0 पे, y 9। तो देखो 2 4 6 8 और 9 यहां पे नहीं होगा बेटा, समवेयर चेक कर लो भाई, 10 और 8 के बीच में तो होगा।
अब x की वैल्यू 9, तो 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि 9 यहां पे आएगा। अब इसको हम ज्वाइन करा देंगे। ओके, एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है कि लाइन जो है वो सॉलिड आएगी या फिर डॉटेड आएगी। तो पहली लाइन को देखो तो सॉलिड आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो डॉटेड आएगी, चेक कर लो। ओके, तो दूसरी लाइन के पॉइंट्स को देखते हैं भाई। 5 5 तो 2 4 5 11 और 2 4 5 11, तो यानी कि इन दोनों के सेंटर में समवेयर मेरे को लगता है कि शायद से इस पे मीट करेगी। देखो एग्जैक्ट तो हमें ग्राफ पेपर पे ही पता चलेगा, ये तो कंफर्म है। आप एक काम करो ना, 5 5 ना लेके, जैसे कि 5 5 से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि इसके ऊपर तो नहीं आ रहा 5 5 पॉइंट। वैसे तो इसके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि 10 5 और 5 अगर आता तो 10 होता बराबर में, तो 5 5 इस पे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमें प्लॉट करने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम कुछ और पुट कर देंगे भाई, हम रिस्क नहीं लेंगे। और यहाँ पे 5 5 ना रखे, हम कोई और भी तो रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम पे ग्राफ पेपर नहीं है इस वजह से, है ना, क्योंकि हम किस पे ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, बोर्ड पे, है ना। तो बोर्ड पे एक रफ फिगर ड्रॉ हो रही है ना। ओके, तो हम यहाँ पे इतना बड़ा ना लेके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 3 ले लेते भाई, 3 3 रखने पर भी तो काम बनेगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ओरिजन था, तो ओरिजन जो पॉइंट था उसका तो यही आ गया, है ना। और 3 3 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा समवेयर, नहीं सॉरी 2 2 का गैप है ना भाई, देखो 2 और 3 यहाँ पे आएगा, है ना, और यहां से भी 3 यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों के सामने बिल्कुल। ओके, देखो चेक कर लो, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। चलिए अब इन दोनों को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन डॉटेड लाइंस है ना। ओके, तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ ज्वाइन होना है आपको, बताइए। ओके, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, है ना, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अब समय हो चुका है इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखने का, है ना। तो पहले वाले की इक्वेशन क्या थी बेटा, फर्स्ट वाली लाइन ये रही, इसकी थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरे वाले की थी y इक्वल टू x, चेक कर लो। ओके, लेकिन अभी आपने नोटिस नहीं किया कि तीसरी इक्वेशन भी बाकी है, तो उस पर भी ध्यान देंगे। तो बेटा वो क्या थी कि x इक्वल टू 0 थी, तीसरी लाइन यही थी ना, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 कहां होता है, y एक्सिस पे। तो यानी कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, x इक्वल टू 0 की ही लाइन है जो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है ना, चेक कर लो। ओके, अब बहुत ध्यान से समझेंगे, अब इनकी शेडिंग की बात है ना, शेडिंग की। तो देखो पहली लाइन ये, इसकी शेडिंग हमने देखी थी ट्रू, ट्रू किस पे थी, ओरिजन की तरफ। तो पहली लाइन ये ओरिजन की तरफ ट्रू थी, यानी कि मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई आपका इस तरफ को शेडिंग होनी है इसकी, है ना। ओके, अब दूसरी लाइन देखी, ये दूसरी लाइन की जो शेडिंग थी वो क्या थी बेटा, 2,0 के पॉइंट के बिहाफ पे थी, है ना, और 2,0 पे क्या था बेटा, ये फॉल्स था, अवे, ठीक है ना, फॉल्स आया था 2,0 पे, तो अवे। अब 2,0 पॉइंट कौन सा होगा भाई, यही ना है 2,0, चेक करो भाई, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0 यहीं पे है। अब इसके अवे, इसके अवे का मतलब ये है कि इसकी तरफ नहीं, इसके बाहर की तरफ, यानी कि इसकी शेडिंग यहां की तरफ हो रही है, चेक कर लो भाई, 2,0 के बिहाफ पे मैंने अवे शेडिंग करी है इसकी। ओके, अब रही बात एक्स की वैल्यू की, यानी कि इसकी, तो एक्स की वैल्यू बड़ी कहां पे होती है बेटा, इधर ही तो होती है बड़ी, समझ में आ गई ना बात, तो इसकी शेडिंग इधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो कुल मिला के अगर मैं कॉमन एरिया देख रहा हूं तो कॉमन एरिया तो यही वाला आ रहा है, चेक करो, है ना। चलिए इसको हम शेडिंग कर देते हैं। ओके, तो बच्चों मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, बट अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज आप मेरे को बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा, है ना। चलिए, तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको जैसे कि पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, ओ ए बी, है ना। तो लेट्स सपोज कि मैंने इनको नाम दे दिया ओ, ये ए और ये बी, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्लियरली, वी कैन से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एरिया ऑफ रीजन ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, है ना, ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दैट्स इट। और आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए हमने क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत सारे कर रखे हैं इसके ऊपर,
तो ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में सब कुछ आ रहा है, बट वही है कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं। और मेरा मानना तो ये है कि क्वेश्चन को आप खुद से करोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसे देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका ऑलरेडी हो रखा है, बस जरूरत है आपको खुद से करने की क्वेश्चन को ना। तो चलिए फटाफट से आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चो आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूं 8.3 की, तो इसमें टोटल आई थिंक सो के 15 क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेटली ना। हाँ बिल्कुल 15 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें से हमने आज के लेक्चर में 8 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, तो बचे हुए जो 7 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर मैं इस लेक्चर में कराता हूँ आपको, तो जो वीडियो की लेंथ है वो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 1.5 घंटे से की ऊपर की हो जाएगी ना, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम बचे हुए क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों अब आपसे अलविदा कहने का समय हो चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।